8 घंटे बिजली देवांगे, 8 घंटा जो घंटा आ गई डेढ़ घंटा बंद, 2 घंटे आ गई घंटा बंद, वह गर्म हो गया जी फलाना ग्रिड, तो असी कहना हूँ बर्फ चला के ग्रिड चला रहे हैं तो हूँ क्यों नहीं गर्म हो ग्रिड। पता नहीं तो हूँ कैप्टन की किस्मत सी या बादलों की किस्मत सी। साढ़े वाले इलाके च यह है कि पहले तो पिंड आया डॉक्टर, फिर पिंड वाले तो बसों बहार हो जाते कहते चीमे ले जाओ, जो चीमे ले आते हैं वो कहते सुनाम, फिर सुनाम वाला कहें भी पटियाले, उन्होंने साढ़े पिंड की भाषा च कहें भी फलान के बुढ़े का या फलान के मुंडे का या बच्चे का पटियाले का परचा कटता, वो पटियाले का परचा घट हों तुरद ज्यादा होंगे क्योंकि पटियाले तो 99.9% मुड़े नहीं, बल्कि अद्धे तो पहुंचे ही नहीं, घर चो नहीं टपे, उदो पहले ही मोड़ लेंगे पूर्ण सूत पूरा हो गया वहां मोड़ लो भाई, है ना, क्योंकि खराब ही इन्ना हो जाता उतना केस हो। तो मैनू भी पटियाले भेजता जी, तो साढ़े घर भी इदा ही भी पटियाले का परचा कटता, मतलब जिन्हें भी पटियाले का परचा कट देंगे ने साढ़े पिंड वाल फिर उन्होंने मंजे चक के पलिया जी बिछा लेंगे, है ना, बुढ़िया आने लग जाने ने चुले का चार्ज संभाल लेंगे ने भी तुम हरपाल को रो लो उधर, है ना, रोटी राटी का फिक्र ना करो अभी अपनी पा लेंगे, फिर वो भी पास दिन गलत भी कर लेंगे ना रौन की सारे पिंड के जवाकों मगर लाएंगे फिर दस क्योंकि पटियाले तो मुड़िया नहीं ना कोई, तो साढ़े भी यही हो गया सर, पर मैं पटियाले तो मुड़िया आया 9,000 करोड़ तो उपर सानू पिछलिया सरकार इन्होंने कर्जा छड़ के गई हुंदा नहीं, जिवें भी आपां कहिंदे आ फलाने दा बापू 10 किले ते इक शोरूम छड गया, फलाने दा दादा जिहड़ा सी ओह उस जमाने भाई उन्हां नूं ऐ करके आ शहर च प्रॉपर्टी छड गया, ते जिहड़े मैनू बजुर्ग मिले ओह आपां नूं 9,000 तां पहले बिजली बोर्ड ते ही छड गई, कोई ठीक है कितें कोई नेरी ज़्यादा आ गई जां कोई इदां दा कोई पावर कट लग गया मौसम करके, कोई खंभा जां कोई ट्रांसफार्मर डिग पे, नहीं तो कोई सरकार वाले पासे ना इंडस्ट्री नू ना घरेलू एक भी कट पावर कट असी प्रपोज नहीं किया कि तुसी पावर कट लाओ, मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। आज दे इस विशेष समारोह दे विच मेरे नाल मेरे कैबिनेट के साथी सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर जी, बिजली मंत्री PWD मंत्री जंडियाला गुरु तो चुने हुए विधायक साढ़े मंत्री साहबान, इस तो अलावा तेजवीर जी और PSPCL के CMD बलदेव सिंह सराह जी और परिवार भलाई हेल्थ डिपार्टमेंट और PSPCL के जिन्हें भी ऑफिसर साहबान प्रशासन, सब तो वह धन्यवाद तो मुबारक उन्होंने अज नौजवान मुंडे कुड़ियों जिन्हों अज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं तो वो साढ़े रंगला पंजाब की टीम का हिस्सा बन जा रहे हैं, तुहाडे माँ प्यो नूं तुहाडे दोस्तों नूं तुहाडे रिश्तेदारां नूं तुसीं मेहनत कीती उहनूं सलाम, सब तो पहला सत श्री अकाल नमस्कार। देखो मैं गल इत्थे शुरू कर लैंदा कि तुसीं अज परिवार का हिस्सा बन जा रहे हो, पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बन जा रहे हो, तो यह मतलब यह है कि तुसी जो भी हुण प्राप्तियां होणगियां सरकार दीआं उह च तुसी हिस्सेदार होवोगे, तुसी क्रिकेट दे मैच देख लो चाहे फुटबॉल दे देख लो हॉकी दे देख लो 11 प्लेयर खेडदे आ 4 प्लेयर बैंच ते हुंदे आ, टीम 15 दी घोषित हुंदी है कि वर्ल्ड कप लई 15 दी आ टीम है, ते कई वारी 11 ही खेडी जांदी आ सारा चैंपियनशिप जां सारा टूर्नामेंट, 12वां 13वां 14वां सिर्फ पानी लैके ग्राउंड च आउंदा जां किसी ने बैट बदलाउणा है जां किसी ने ग्लव्स नवें मंगा ले, खेडण दा मौका नहीं मिलदा, पर जदों टीम जित जांदी है
ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 15 ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 11 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੋ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 131 PSPCL 'ਚ ਕਲਰਕ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ 48 ਔਰ 73 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਨੇ 12 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ 33 ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਨਾ ਪਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਓਪਨਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਭਵਨ 'ਚ ਕੋਈ 642 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੰਡਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 642 ਵੰਡ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 642 ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਗਾਨਾ ਪਰ ਕਹੀਏ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 642 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਉ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜੂਗੀ ਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਚੜ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.5 ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਉ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡਿਗਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਧੁੰਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ
डांगा खानिया, ये भी डिग्री हो जाती है। फिर घरें किमें जाऊँ जाने कि हालात च घरें कुछ होर इंतजार हो रहा होंगे कि शायद अज जॉब लैटर मिलने, पर घरें पुत जोड़ा वो जख्मी जाता उन्होंने जिन्ना मोडिया तो पंजाब की पंजाब में रंगला पंजाब बनाने की जिम्मेवारी का भार होना चाहिए सी, उन्होंने मोडिया तो सरकारी लाठीचार्ज के जख्म होंगे ने। फिर तो घर तो फिर उल्टा माहौल होंगे सी, दिल भी टुटे कई आने पिछे जे मैं टीचर जेडे जिन्हों कहें कच्चे ज कोई अडहॉक से सिक्ख्या प्रोवाइडर पर अलग अलग ना रखे हुए सी, उन्होंने मैं रेगूलर किया 58 साल तक उन्होंने नौकरी पक्की की, तनखाह तीन तीन गुणा बधाई, तो मेरे को आके रोन लग गए। रोन किस गल करके लग गए, कहें जी 2003 तो लगे हुए हैं, 20 साल बाद किसी ने पूछे, कोई कहना 2007 तो लगे हुए हैं, 16 साल बाद किसी ने पूछे, मतलब किन्ना पंजाब पिछे रह गया, पूछने वाला है ही नहीं सी कोई। सो इस करके हुण तुहाडा अपना राज है, और नाल ये भी है जिहड़ी अज नौकरी मिलेगी इहनू आखिरी नौकरी ना समझो, हजे होर बहुत कुछ तुहाडा इंतजार कर रहा, वड्डियां कुर्सियां तुहाडा इंतजार कर रही हैं। इहदी मैं एग्जाम्पल दे देना, मैनूं तुहाडे चों पता लग गया, एक फंक्शन सीगा लाइन मैन सी मेरे ख्याल च सरा साहब टैगोर थिएटर च कीता सी, असिस्टेंट लाइन मैन रखे एक SDO भी रखे बिजली बोर्ड च, मैं नियुक्ति पत्र दे रहा सी, अज भी इस तो बाद नियुक्ति पत्र देने, तो एक मुंडा आके कहिंदा जी ऐसे साल च मेरी तीजी नौकरी है। मैं कहा भी ऐसे साल च तीजी नौकरी किवें हो सकती है, एक साल च तीजी नौकरी मिलती, मैंने अफसर दस्या कहने हाँ जी पहला कलर्क भर्ती होया सी तुहाडे तो, इन्हें कलर्की का नियुक्ति पत्र लिया सी, उस तो बाद एक किताबा पढ़ता रहा सिलेबस पढ़ता रहा, हैड कलर्क का पेपर देता उस भी मैरिट च आ गया, उस तो बाद मैंने कलर्क वाली जॉब छड़ के हैड कलर्क भी तुहाडे तो नियुक्ति पत्र ले लिया, फिर पढ़ता कहना अज SDO का मैरिट च आ गया, अज SDO का नियुक्ति पत्र तुहाडे तो ले रहा। एक साल च तीन नौकरियां, कितने 70 साल च एक मौका भी नहीं मिलता सी, कितने एक साल च तीन तीन मौके ने। इस करके मैं थोनू कहना इस कुर्सी नू तुसी आखिरी ना समझो, इहनू तो एक मौका समझो। बहुत सारे कलर्क इदां दे ने जिन्हें बाद IAS क्लीयर की है, UPSC क्लीयर की है, PPSC के एग्जाम क्लीयर किए ने, सो बड़े अफसर बनना मंजिल बड़िया रखनिया ने। अज तो सिर्फ तुम्हें इन्ना क सौखा हो गया, करदे तो पैसे नहीं मंगने पैणगे, हुण भी आप दी किताबां सिलेबस दी जां कोई ट्यूशन दी कोचिंग दी उत्थे, ते कोचिंग वास्ते भी असीं फैसला कीता पंजाब सरकार ने कि UPSC के कोचिंग IAS IPS के कोचिंग सेंटर जिहड़े ने महंगे ने, फीसा महंगिया ने, है नहीं आले दुआले होस्टल च रहना पैंदा जां किराए ते PG-ਆਂ च रहना पैंदा, तो असी पंजाब दे विच UPSC के कोचिंग सेंटर खोलांगे 8 और बिल्कुल फ्री एंड फ्री टू ऑल, कोई उहदे च ये नहीं हैगा कोई BPL कार्ड वाला होगा नीले कार्ड वाला होगा ना, जिहड़ा भी उत्थे जाना नाल होस्टल भी बनावांगे, उन्हां बिल्डिंगां च होस्टल बनावांगे, लाइब्रेरी बनावांगे, उत्थे उत्थे ही पढ़ो उत्थे ही रहो और उत्थे कोचिंग लो, अफसर बन के बाहर निकलो, कौन रोकता थोनों, असमान है थोड़े को उड़न नू, खंभ परमात्मा ने दिते ने, टैलेंट परमात्मा ने दिता है उड़न लई असमान हैगा, और सरकार थोनों असमान दे रही है। रनवे जिहड़ा हुंदा है वह जहाज़ नू उड़ाउंदा थोड़ी है, रनवे जहाज़ नू मौका दिंदा है, अगे तो जहाज़ ते डिपेंड करदा वह दिल्लियों उड़ के 25 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरदा है जां फिर दिल्लियों उड़ के 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरदा, पर रनवे तो मौका देना हुंदा, रनवे ने तो मौका दिता है, असी तो एक मौके दे सकते, उड़ना थोड़ा काम है कि दूर उड़ना, थोड़े इंजन किन्ने किन्ने शक्तिशाली ने, पर हाँ एक गल याद रखियो कि जो उड़ जाए ना जहाज तो हाँ रनवे में जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि थले भी उतरना हुंदा है, हाँ थोड़ा जिहा धरती नाल पैर जड़ां नाल थोड़ा जिहा जुड़िया रहना चाहिए, और जिन्हें भी जहाज क्रैश होंदे ने ना जिहड़े जहाज जिहड़े जिन्हां जहाज डिग पैंदे ने उन्हें सब तो पहला खबर ही यह आउंदी हुंदी है कि 2:35 ते धरती नालों नाता टुट गया सी, फिर जदों धरती नालों नाता टुट जांदा ना किसे दा तहां जाके फिर वह टुकड़ियां जिथे हुंदा फिर वह एक टुकड़ा इत्थों ते आया इक उत्थों ते आया। सो इस करके तुहानूं यह भी कहना चाहुंदा जे नौकरी वाले हो गए अज ये ना कितने हो गए कि शरीकों के घर मूहरे जाके ललकारे मारन लग जाओ निकलो बाहर ओए उन्होंने भी ना लगे चलना बल्कि उन्होंने दस्यो
कि केड़े केड़े तरीके ने केड़े टेस्ट देने पैंदे ने। देखो एक मोहल्ले चो या एक पिंड चो कोई मुंडा एक कामयाब हो जाए 10-15 उस पिंड चो होर कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक राह खुल जाता है भाई किवें कीता सी तूं मैनूं दस दे। बिल्कुल इस तरह मोहल्लिया च जे महल च कोई मुंडा जां कुड़ी कामयाब हो जाए तो आले दुआले दे गुआंढी आउण लग जांदे जी किवें कीता सी भी अपने मुंडे नूं असी भी अपनी कुड़ी नूं इदां दी पढ़ाई करवाउणा चाहुंदे आ। हाँ जे उह मुंडा घरों बाहर जाके पढ़न दे बहाने बुरी बुरी संगत दा शिकार हो गए तो किसी होर कम्मां च पै जाए फिर समझ लो कल्ला नहीं उन्हें 10-15 का होर भी फ्यूचर खराब करता क्योंकि मापे फिर कहणगे नहीं उन्हां दा मुंडा गया सी उत्थे आ देख लै की जंद चढ़ के आया इस करके मैं सिंधे नूं भेज दे उत्थे। सो ये बहुत डिपेंड करदा तुसीं अपने आप नूं रोल मॉडल समझ लो चल 15-20 दे समझ लो रोल मॉडल मन्नो कि मेरे नाल 15-20 होर ने जे मैं कुछ गलत करता समझ लो वह गए फिर जे मैं कुछ चंगा करता वो आ गए फिर। सो इस करके मैं मुख्यमंत्री बन गया वे मुख्यमंत्री बनने का मतलब थोड़ी को तुसी लै महिला के कोंडे ला के बह जाओ अंदर कि सानू कोई जनता ना मिल ले कि आके उदू पहले ने नहीं किया मुख्यमंत्री बन के वड्डे वड्डे उन्होंने महल से वड्डे वड्डे दरवाजे से कुंडे भी इन्ने चौड़े से कुंडे अंदरों बंद कर ले कहते आम जनता नेड़े ना आ जाए उन्होंने पता ही नहीं लगे कदों लोगों ने बाहरों कुंडे लाते कहते तुम बाहर भी ना आ जाए वो बैठे ने अंदर ही हूँ तो की कर रहे ने माफ करना तुम पढ़े लिखे हो की कर रहे ने वो जोड़ तोड़ मैं उधर भग जा आपदे पंजाब दे जिहड़े मुंडे कुड़ियां दी कुर्सी वास्ते जोड़ तोड़ कर रहे ते आ जिहड़े दूजे ने उह सिर्फ आपदी कुर्सी लई जोड़ तोड़ कर रहे ने। मैं इहनां नाल हो जां तां मैं मिनिस्टर बन जूं इहदे नाल जुड़ जाइए तां ऐ बन जांगे बाकी पब्लिक है सियाणी है सारा कुछ पता उहनां नूं उही खंभे ने बिजली बोर्ड दे बहुत वड्डे अफसर ने सब तों वड्डे अफसर ने कई सालां तों ने उहनां वेले वी इही सी अफसर इही सी खंभे भी यही सी तारा भी यही सी ट्रांसफार्मर भी यही सी जैम्पर भी उही सी फ्यूज भी उही सी ग्रिड भी उही सी सुच्चा भी उही सी मोटर भी उही ने ते हुण किवें चलदियां ने जी 15-15 घंटे 16-16 घंटे। कारण की है इच्छा शक्ति विल पावर इच्छा शक्ति है ही नहीं सी कोई ध्यान ही नहीं सी 8 घंटे बिजली देवांगे 8 घंटा चो घंटा आ गई 1.5 घंटा बंद 2 घंटे आ गई घंटा बंद वो गर्म हो गया जी फलाना ग्रिड तो असी कड़ा हूँ बर्फ चला के ग्रिड चला रहे हैं तो हूँ क्यों नहीं गर्म हो ग्रिड प्लैनिंग बनानी होंगी है। असी पंजाब नूं 4 जून च बंड लिया कि जीरी इन्ने जिले इन्नी तरीक नूं लाउणगे उन्होंने देवे बिजली पहला फिर इन्न देवे फिर इन्न वो ग्रिडा से लोड नहीं पैंदा ते नाले बिजली 12-12, 14-14, 15-15 कई जगह तो वीडियो आई ने कि 24 घंटे हो गए यार जाती नहीं हूँ तो इस गलते धरना देना देने बारे सोच रहे हैं कई पिंड लोग यार बस करो यार हूँ बिजली साढ़िया बटा टुटी जाए उत्तों नहर वाला पानी आ गया कस्सियां चल पी पुरानिया उही कस्सियां ने उही सूए ने उही रजवाए ने हूँ किवें चल पे जी उही कोले की खान 2015 तो बंद पई सी झारखंड जिहड़ी पंजाब दी है तो उही असी चला ली 8 सालों बाद वो कोला इन्ना होया पे सानू असी थर्मल प्लांट खरीद रहे हैं भी हूँ असी कसी थर्मल प्लांट चला लेंगे जब प्राइवेट वाले तुम ए करो सानू फड़ाओ असी चला के दिखाने जी प्राइवेट वाले घाटे च ने सरकार कहती सानू दे दो असी सस्ती बिजली बना के दिखावे तो नहीं तो आके सरकार प्राइवेट कर देंदी सारे उल्टा कर देंगे। सो इस करके तनखाह अच्छा बिजली बोर्ड का भी असी यही कहें कि कर्जा लैके इन्होंने ऑर्डर दे दो 16 घंटे बिजली नहीं कटनी ऑर्डर ही देना ये तो जी अफसर ने मननी पवेगी मुख्यमंत्री की मननी पवेगी बिजली मंत्री की मननी पवेगी 16 घंटे बिजली तो दे देंगे जिहड़ा तनखाह देनी है वह कितों देंगे फिर सबसिडी कितों देंगे वे इन्नी मुफ्त बिजली चल रही है तो फिर थोड़िया तनखाह रुकनगियां असी बिजली बोर्ड में भी 1 रुपये का घाटा नहीं पैन देंगे 20,200 करोड़ रुपया पिछले साल की सबसिडी सी सरां साहब मोड़ती ना दस दे करो असी पैसे दे दे दो 9,000 तो उपर 9,000 करोड़ तो उपर सानू पिछलियां सरकारां इन्हां दा कर्जा छड्ड के गई सी हुंदा नहीं जिवें भी आपां कहिंदे आ फलाने दा बापू 10 किले ते इक शोरूम छड्ड गया फलाने दा
फलाने का दादा जिहड़ा सी ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9000 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੋੜ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾਊਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਓ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ 582 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 60 ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 600 ਕਰਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸੋ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ MBBS ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਓ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਕੱਢ ਲਓ 42ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ 34ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 42 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਡਾਟਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਇਹ ਤੈਅ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਓ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਫਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ DMC ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ
जो मैं पैदा होया सी तो मेरी जिहड़ी आ चिन्ह है इत्थे जुड़ी हुई सित एक घंटे बाद अपने आप टुट गई। पर डॉक्टर कहिंदे बहुत छोटा है, चलो दुध पींदा हजे बच्चा तो अंदर की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, देखदे आ वड्डा होके की है। तो एक रसौली सी छोटी जी, वो मेरी उम्र के नाल नाल वो भी वधदी गई। इदा तो साडे वाले इलाके च यह है कि पहले तो पिंड वाला डॉक्टर भी वह पिंड वाले तो बसों बहर हो जाते, कहते चीमे ले लो, जो चीमे ले जाते वह कहते सनाम। फिर सनाम वाला कहता भी पटियाले, उन्होंने साडे पिंड की भाषा च कहते ने भी फलान्या दे बुढ़े का या फलान्या दे मुंडे का या बच्चे का पटियाले का परचा कटता। वो पटियाले का परचा घट हों तुरदा ज्यादा होंगे, क्योंकि पटियाले तो 99.9% मुड़े नहीं, बल्कि अद्धे तो पहुंचे ही नहीं, घर चो नहीं टपे, उदू पहले मोड़ लेते हैं पूर्ण सूत पूरा हो गया, वहां मोड़ लो भाई, है ना, क्योंकि खराब ही इन्ना हो जाता उसका केस। हो मैनू भी पटियाले भेजता जी ए हरिंद्रा हॉस्पिटल बना, मैंने अज भी विंडो याद है, मैं हूँ भी देखता हाँ बिल्डिंग सेम है। तो साढ़े घर भी इदा ही भी पटियाले का परचा कटता, मतलब जिन्हें भी पटियाले का परचा कट देंगे साढ़े पिंड वाल फिर उन्हें मंजे चक के पलिया जी बिछा लेंगे, है ना। बुढ़िया आने लग जाने ने चुले का चार्ज संभाल लेंगे ने भी तुम हरपाल को रो लो उधर, है ना, रोटी राटी का फिक्र ना करो असं आप। फिर वह भी पास दिन गलां भी कर लें कि ना रौन की सारे पिंड जवाकों मगर लाए फिर दस, क्योंकि पटियाले तो मुड़िया नहीं ना कोई, तो साढ़े भी यही हो गया सी, पर मैं पटियाले तो मुड़िया आया पता नहीं तो हूँ कैप्टन की किस्मत सी या बादल की किस्मत सी। मैं सो असी नहीं चाहते कि हर छोटी मोटी बीमारी वास्ते बहुत बड़े बड़े हस्पतालों जाइए, तो उत्थे जाके क्योंकि उत्थे भी जाके डॉक्टर के ना बहुत बर्डन है, पीजीआई के डॉक्टर से बहुत बर्डन है, फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिलती। हूँ भी मैं जाऊँगा, मैं होमी बाबा कैंसर सेंटर जोड़ा उत्थे एक पेशेंट लई एक नवा अलग तो ओपन एयर शुरू किया, उद्घाटन करने चले मैं हूँ इस तो बाद। सो होमी बाबा कैंसर सेंटर संगरूर भी है, पीजीआई संगरूर आ गई, एम्स बठिंडे हाँ कंप्लीट नहीं होया हो जूगा, ट्रॉमा सेंटर पंजाब 16 मेडिकल कॉलेज जिसो 3 बन रहे हैं हुशियारपुर कपूरथला ते तीसरा मलेरकोटला, 3 असी जिहड़े नूं ना काम चल रहा है, नक्शे बन गए सब कुछ फाइनल, पहलियां किश्तां चलियां गईयां, काम चली जांदा है और लेटेस्ट डिजाइन दे बनणगे। इत्थे MBBS करो ना, क्यों यूक्रेन भज्जीए सी, यूक्रेन तो किन्ने बच्चे साडे इत्थे वापस आए, क्योंकि इतने पढ़ाई इन्नी महंगी कर रखी है इन्होंने, डॉक्टरी कर ही नहीं सकते तुसी। सो इस करके मैं कहना कि डिग्री भी इतनी मिले, नौकरी भी इतनी करो, आईलेट्स करके आईलेट्स नू डिग्री ना समझो, आईलेट्स करके बाहरले मुल्क नू भजी जाने, उत्थे कड़ा सौखा जी, उत्थे बहुत औखा जी, उत्थे मेहनत करनी है बहुत औखिया ने, मौसम अपने अनुकूल नहीं, भाषा अपने अनुकूल नहीं। सो इस करके मैं यही चाहना कि ब्रेन ड्रेन रुके, साढ़े नौजवान मुंडे कुड़ियाँ उन्होंने डिग्रियां भी इतनी मिलन, पर उन्होंने डिग्रियां के मुताबिक नौकरी भी इतनी मिले। टाटा स्टील आ रहा है बिगेस्ट सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, जर्मनी दी कंपनियां आ रही ने, 4-3 आ गई, चौथी आ रही है हूँ, इस तो बाद जर्मन दी एंबेसडर नाल मीटिंग है मेरी। सो मैं तो यही चाहना कि कितों भी आ जाए साढ़े पंजाब लई काम, साढ़े पंजाब च मैं साढ़े नौजवानों के हाथों चो टीके खो के टिफिन फराने चाहना, काम से जाओ शाम को घर एक परिवार जाओ सुखी बसो। मैं यही तो सारे बेनती करनी चाहना कि अपना काम बड़ी ध्यानदारी ईमानदारी ना करो, कोई पता नहीं थोड़े किए हुए साइन नाल कि चुल्हा बढ़ जाए कि कबीलदारी जी करेगी, ये ना समझो कि मैं एक फाइल जी रोकी पई है, चल की पता अगले बुधवार देख लेंगे, कोई पता नहीं अगले बुधवार तक उस परिवार च की हो जाए। इस करके जिहड़ी फाइल आउंदी है बुधवार या मंगलवार की उड़ीकना करो, जो सरकार तुहानू कह रही है कि असीं तुहानू ईमानदारी नाल तुहानू उन्हां सीटां ते बिठाउण लगे हां, तां ईमानदारी नाल ही उन्हां सीटां तों तुहाडे वल्लों रिजल्ट भी आने चाहिए ने। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं प्यार सत्कार नाल, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, तुसीं सानू बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ। सब तो पहला कमलप्रीत कौर पीएसपीसीएल क्लर्क नियुक्त हुए हैं वो अपना।